जय श्रीकर महादेव जी। दोस्तों तो दोस्तों श्रीकर महादेव जी यात्रा 2024 में अभी वक्त है और 14 जुलाई से आपकी यात्रा स्टार्ट होनी है। लेकिन दोस्तों अगर आपने पंजीकरण अभी तक नहीं करवाया है श्रीकर महादेव जी यात्रा के लिए तो ऑफिशियल साइट आपको डिस्प्ले में दिख रही होगी, आप फटाफट जाइए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए श्रीकर महादेव जी यात्रा 2024 के लिए। लेकिन अगर आपका रजिस्ट्रेशन दोस्तों किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो आपके लिए 14 जुलाई से जो ऑफलाइन जो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन है वो खोल दिए जाएंगे बेस कैंप सिंगार्ड में। आप वहां पे भी आके आप अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो श्रीखंड महादेव जी यात्रा के लिए, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीखंड महादेव जी यात्रा पे, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो जाओ पागी पुल आप कैसे पहुंच सकते हो। दोस्तों बहुत से लोग ये भी पूछ रहे कि सर शिमला से हम क्या डायरेक्ट बस हमें मिल जाएगी जाऊँ या बागी पुल के लिए, ठीक है ना। रामपुर से क्या हमें डायरेक्ट बस मिल जाती है जाऊँ या बागी पुल के लिए, तो दोस्तों इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों देखो भारत के किसी भी कोने किसी भी स्टेट से आप आ रहे हो, फिर चाहे वो आपका राजस्थान हो, आपका गुजरात हो, पुणे हो, महाराष्ट्र हो, देखो न्यू दिल्ली तो आपको पहले पहुँचना पड़ेगा। न्यू दिल्ली जैसे आईएसबीटी कश्मीरी गेट से आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी रिकांगपियो क्षेत्र के लिए, यानी दिल्ली से रिकांगपियो के लिए एचआरटीसी की बसेज अवेलेबल रहती है हर आधे घंटे में, ठीक है ना। तो उसमें आपने अपना टिकट बना के आपने रामपुर शहर तक आना है जो कि लगभग आपको 350 प्लस के आसपास पड़ेगा, ठीक है ना। देखो अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है दिल्ली से रिकांगपियो के लिए तो दिल्ली से शिमला आप आ सकते हो, ठीक है ना। शिमला से आपको हर आधे घंटे में बसेस प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो रामपुर बुशहर के लिए बड़े इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है ना। शिमला से आपको बड़ी इजीली मिल जाती है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट बस नहीं है शिमला से बागीपुल जाऊँ के लिए, पहले आपको शिमला से रामपुर आना पड़ेगा फिर आप रामपुर से बागीपुल के लिए जा सकते हो, है ना। शिमला से रामपुर लगभग 130 किलोमीटर के आसपास, लगभग 250 का पर पर्सन के हिसाब से इसमें किराया रहता है, ठीक है। अब जैसे आप रामपुर पहुँचते हो दोस्तों तो रामपुर से आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है फिर बागीपुल के लिए, ठीक है, जो कि 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में आपको देखने को मिलेगी, जिनमें ज़्यादातर आपकी प्राइवेट बसेज होती है। गवर्नमेंट दोस्तों बहुत ही कम चलती है और प्राइवेट बसेज ज़्यादा रहती है आपके बागीपुल के लिए। रामपुर से आपका बागीपुल लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है, जिन्हें पर पर्सन लगभग 90 रुपये के आसपास आपका फेयर रहता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो प्राइवेट व्हीकल करके भी आ सकते हो, पर्सनल टैक्सी के साथ अगर आप आ रहे हो तो और भी अच्छी बात है। टैक्सी भी आप रामपुर से बुक कर सकते हो 200-250 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है ना। बाकी देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही, बसेस तो अवेलेबल है ही है, ठीक है। तो देखो बागीपुल से जाऊँ, फिर कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि यार बागीपुल जाऊँ सेम ये, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम कुल्लू मनाली बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कुल्लू मनाली, तो देखो कुल्लू आपका अलग है मनाली आपका अलग है। बेशक आपका मनाली कुल्लू में पड़ता है लेकिन मनाली आपका कुल्लू से 40 किलोमीटर आगे है, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आपका जो बागीपुल जाऊँ है ये भी अलग अलग एक विलेज है एरिया, ठीक है। बागीपुल से जाऊँ आपका लगभग 12 किलोमीटर आगे पड़ता है, ठीक है। बागीपुल तक आपको बस मिल जाती है, बागीपुल से जाऊँ के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी में करके जाना पड़ता है जिसमें 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रहता है। इस बार थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो 60 या 70 रुपये, इससे ऊपर होने वाला नहीं है, बट 50 रुपये आपका फिक्स रहता है आपके बागीपुल से जाऊँ के लिए, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया कि बागीपुल जाऊँ में 12 किलोमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो रामपुर से आपको सुबह 7 बजे से बस मिलेगी शाम को 5 बजे तक, ठीक है। इसके बीच में ही आपने रामपुर से बागीपुल के लिए जाना है, ठीक है। और दोस्तों शिमला से कोई भी डायरेक्ट बस आपकी जाओ या बागीपुल के लिए नहीं है, ठीक है, ये बात क्लियर कंफर्म आप कर लो, ठीक है ना। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी दोस्तों अच्छी लगी तो ज़रूर आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी आपने कर देना है, ठीक है, और हमारे चैनल के साथ आपने बने रहना है। जय श्री कृष्ण।